सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर इनोवेटिव को और वेल आइकन जरूर दबाइए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी के टाइम भी आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इससे लेबर और डिलीवरी के समय होने वाली तकलीफ और परेशानी काफ़ी कम हो जाती है। हल्की एक्सरसाइज जैसे तैराकी, वॉकिंग और योग करना चाहिए। अपने पेट और पीठ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज, स्क्वेटिंग और प्लैंक्स करें और ऐसी पोजीशन बनाएं जिससे कि आप खड़े होकर तथा बगल की ओर झुककर एक्सरसाइज कर सकें। पेट पर दबाव डालने से बच्चे पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इससे उसे नुकसान हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और खुद को ठंडक प्रदान करें। डिहाइड्रेशन एम्ब्रॉयो के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पसलियों में दबाव डालने से बचने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनना ही बेहतर होता है। अगर आपके सर्विक्स में कोई समस्या जैसे कि खून निकलना या किसी ट्राइमेस्टर में कोई तकलीफ या प्रेगनेंसी के बाद के समय में खून निकलना या समय से पहले लीवर की समस्या या मेम्ब्रेन्स को हानि पहुंचने जैसी तकलीफों की, इस टाइप से अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको लगातार सर में दर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में कमजोरी, गर्भाशय में सिकुड़न, पेट में दर्द या पेल्विस में दबाव पड़ने जैसी कोई भी समस्या है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। गंभीर या अचानक हो रहे तनाव से आसानी से निपटने की कोशिश करें और ऐसी गतिविधियों से दूर रहें जिससे माँ और बच्चे को हानि पहुँचने का खतरा हो। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादा गर्म वातावरण में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुबह या फिर शाम को या फिर एयर कंडीशन जिम में ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, पेट या पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए और ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके अंतर्गत आपको अपनी कमर में बेल्ट बांधने की ज़रूरत पड़े। लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं होना चाहिए, इससे गर्भाशय में रक्त का सर्कुलेशन कम हो जाता है और यह ब्लड आपके पैरों में जाने लगता है जिससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में फिट रहना चाहिए और ज़्यादा दौड़ने भागने वाले गतिविधियों तथा खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें आपके पेट के बल गिरने का खतरा हो, जैसे लाइन स्केटिंग, सॉकर, डाउनहिल, स्कीइंग और घुड़सवारी। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता हो। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और पेन किलर्स जैसे नहीं लेना चाहिए। कैलोरी का सेवन आपको बंद नहीं करना चाहिए। दिन में कम से कम 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरी आपको लेना चाहिए। गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या अस्थमा की दवाइयां लेना बंद नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू या कोई भी ड्रग्स, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में हॉट टब में नहाने से परहेज करना चाहिए, इससे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और जो एम्ब्रॉय है उसके ब्रेन के विकास पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। ऑयल वाले पेंट्स तथा लीड और मरकरी से युक्त पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल थक जाने की सीमा तक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय भी बातचीत जारी रखना चाहिए। अपने वजन के बढ़ने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। एक बार बच्चे के जन्म के बाद आपका वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। घर बदलने या नौकरी बदलने जैसे फालतू के तनाव या स्ट्रेस लेने से, इस तरह की कंडीशन में इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डिलीवरी के वक्त होने वाले लेवर और दर्द के बारे में सोचकर बिल्कुल भी ना घबराने का प्रयास करें, इसे प्राकृतिक रूप से स्वीकार करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है
वी फॉर विनोवेटिव, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।